The celebrity dance reality show Jhalak Dikhla Ja 8 is all set to air soon and the whole team has geared up to show off their skills. With new judges, a new set of contestants, this show has raised up the Mercury level. Let us wait and watch for the Jhalak the show will see in the upcoming few weeks. It's okay to compromise on sleep, it's okay to compromise on personal life. I'm here to live my dream, I'm here to do something in my life and for that I have to compromise on something. Any particular dance form you're looking forward to learn in this? I'm looking forward to hip-hop because I love hip-hop. देखिए मेरा ये मानना है कि ये शो बाकी शो से बहुत अलग है क्योंकि यहाँ पर स्टार्स लोग को डांस करना है, यहाँ पर डांसर लोग को डांस नहीं करना है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डांसिंग विद द स्टार्स. सो हम लोग को कंटेस्टेंट्स को एक सेकेंड हम लोग को कंटेस्टेंट्स को एज डांसर नहीं देखना है, एज स्टार्स देखना है. तो हाँ, मुझे मालूम है कि पहले बहुत बारीकी से डांस देखा जाता था, बट मैं ये मानता हूँ कि डांस उतना ही करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं और बाकी आपकी ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्टारडम, आपका स्टार वैल्यू आपको डालना चाहिए एक परफॉर्मेंस में. काफ़ी चीज़ें रिलोडेड हैं, नए जजेस पैनल हैं, नए कंटेस्टेंट्स हैं. इस बार पहली बार झलक मैं अकेले होस्ट कर रहा हूँ, सो आई थिंक बड़ा नयापन है. आई होप हम सब ये जो नयापन प्लान कर रहे हैं सब कुछ लोगों को अच्छा लगे और हमारा प्यार लोगों तक पहुँचे और उनका प्यार हम तक आए. इस बार जो है जजेस में चेंजेस आया, शाहिद और शाहिद हैं, गणेश हैं, लॉरेन हैं, करण हैं और रमो सर और माधुरी को भी मिस करेंगे शो में क्योंकि शो में डेफिनेटली मिस करेंगे. आई थिंक जो भी ऑब्वियसली जो झलक इतना बड़ा क्रिएट हुआ है उसमें उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, नोबडी कैन डिनाई दैट. डेफिनेटली मैं माधुरी मैम को बहुत मिस करूंगा, करण सर को बहुत मिस करूंगा, अपना रेमो सर को बहुत मिस करूंगा, उनकी जो उनके साथ जो मस्तियां होती थी मिस करेंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ न्यू सीजन पावर्ड बाय NNIS.